सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और जिस तरह से अभी मौसम बदल रहा है शिमला का, लगता है शायद अगले एक दो दिन के अंदर यहाँ बर्फ भी पड़ जाए। तो आज चलिए मेरे साथ, देखते हैं शिमला की सड़कों के नज़ारे, देखते हैं क्या खूब सारे टूरिस्ट आ रहे हैं शिमला में, और चलते हैं शाम को माल रोड पे, देखते हैं कितनी की ठंड है, क्या वाकई में बर्फ़ के आसार हैं। तो ये सब देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ माई सेकेंड लाइफ पे दार्स्तोंगली में। तो दोस्तों, वैसे तो प्रेडिक्शन है स्नो की, लेकिन आसार कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। क्लियर स्काई है, धूप लगी है शिमला में, जबकि पूरे इंडिया में इस वक्त धुंध पड़ी है और शिमला में तो बादल भी नहीं है। तो देखते हैं शाम तक क्या मौसम बनता है, अगले दो तीन दिन में क्या मौसम बन के आता है। बट फिलहाल आप देख सकते हैं साफ मौसम है, धूप निकली। अभी शिमला की सड़कें तो पड़ी है खाली, शायद लॉन्ग वीकेंड होगा तब थोड़ा रश दिखेगा सड़कों पर, बट फिलहाल खास टूरिस्ट नहीं दिख रहा है शिमला की सड़कों पर। दोस्तों, मुझे लगता है कि जैसे पिछले सालों में जो शिमला में बर्फ पड़ती थी वो फरवरी में आके पड़ती थी, तो इस साल भी यही लग रहा है कि अगर स्नो हुई तो वो फरवरी के आसपास होगी। अभी तो कोई आसार है नहीं बर्फ में। तो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई, अपने ऑफिस गया, सात दिन का काम निपटाया और शाम को मैं पहुंच गया माल रोड। तो दोस्तों, ये है नज़ारा माल रोड का, कहीं भी लग रहा है कि बर्फ़ पड़ रही है। बिल्कुल साफ मौसम है और बाजारों में चहल पहल है। तो ये है माल रोड पर सर्दियों की शामों का नजारा, आइए मेरे साथ। और ये है माल रोड की धड़कन स्कैंडल पॉइंट। ये शिमला के लक्कड़ बाजार का एरिया, रात को कितना शानदार लगता है। और हम अभी जा रहे हैं रिज की तरफ।
है रिज का टका बेंच एरिया और स्टेट लाइब्रेरी और साथ में चर्च जो शिमला की शान है। ये रास्ता जाता है जाखू मंदिर को और मेरे स्कूल को जिसमें मैं पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय शिमला जाखू। और ये है टका बेंच, फेमस स्पॉट ऑन द रिज, जिससे आपको पूरा रिज दिखता है। यह शानदार नजारा रिज का। तो है ना शिमला यूरोप, हिंदुस्तान में अकेला शहर जो बिल्कुल यूरोप की तरह लगता है। और ये है असली टका बेंच, जहां एक टाइम पे बैठने के लिए एक एक टके का टिकट लगा करता था। आप अगर कभी यहाँ आए तो साथ ही में यहाँ चाट पापड़ी की शॉप है, तो आपको बहुत ही शानदार चाट पापड़ी मिलेगी। और यही रास्ता आगे जाखू टेंपल को भी जाता है। ये रास्ता जाखू टेंपल के लिए जाता है। ये वही रास्ता है जहाँ कभी पत्थर की बॉल बनाकर हम स्कूल से आया करते थे। और यह है एरिया लेडीज पार्क का, जिसको आजकल चिल्ड्रंस पार्क भी कहा जाता है। और यह है नजारा माल रोड का। तो दोस्तों, माल रोड से अब फ्री होके हम चल पड़े हैं घर को और पहुंच गए चौड़ा मैदान वाले एरिया।
सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। आज के दिन आपको मैंने कोशिश की दिखाने की शिमला शहर के नज़ारे, और ये भी पता करने की कोशिश की कि वाकई में बर्फ़ पड़ने का माहौल है या नहीं है। तो आंसर ये है कि अभी तो शिमला में बर्फ़ पड़ने वाली नहीं है, अगर बर्फ़ पड़ी तो पिछले सालों की तरह बर्फ़ फरवरी के महीने में ही पड़ेगी। और साथ में मैंने आपको एक टूर दिया माल रोड का, वॉकिंग टूर। तो ऐसी चीज़ें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। स्टे ट्यून्ड, दार्स ओनली है।